मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में पेच सुलझने के बजाय फंसता जा रहा है। पहले से ही यूपी पुलिस पर विपक्ष के शक की सुई घूम रही है और अब एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है जो यूपी एसटीएफ की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखें, जो कि मंगेश यादव के एनकाउंटर स्पॉट की बताई जा रही है। इसमें यूपी पुलिस अधिकारी ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं और ना ही किसी के पैर में जूते हैं, बल्कि यूपी एसटीएफ की टीम चप्पल में नजर आ रही है। सबसे पहले एसटीएफ की टीम को लीड करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही चप्पल पहने खड़े हैं। उनके बगल में पिंक टी शर्ट में हेड कांस्टेबल राम निवास शुक्ला है और उनके साइड में जौनपुर एसओजी से एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे मौजूद हैं। जबकि एसटीएफ का कहना है कि मंगेश को पकड़ने के लिए उनकी 11 सदस्य टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गई थी, लेकिन इस तस्वीर में बुलेट प्रूफ जैकेट का तो नामो निशान ही गायब है। ना तो किसी के हाथ में बुलेट प्रूफ जैकेट है और ना ही शरीर पर। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाते हुए डीजीपी से फर्जी एनकाउंटर की शिकायत की है। मंगेश यादव के कथित एनकाउंटर के समय टीम लीडर श्री डीके शाही के हवाई चप्पल में मौजूद होने की तस्वीर इस एनकाउंटर की संदिग्धता को और अधिक स्पष्ट करता है। मेरी जानकारी और अनुभव में ये पहला दृष्टांत है जब टीम लीडर कथित रूप से एनकाउंटर के समय चप्पल में मौजूद हों। मैंने डीजीपी यूपी को इन तथ्यों से अवगत करा के इस संबंध में प्राथमिक जांच कर अग्रतर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सवाल तो उठने ही है, कागजों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का दावा सही है या गलत, जींस टी शर्ट और चप्पल में नजर आने वाले अधिकारियों की तस्वीर की सच्चाई आखिर क्या है? क्या एसटीएफ की टीम को पता था कि मंगेश उन पर गोली नहीं चला पाएगा? खैर, ये सवाल तो इस तस्वीर से उठ रहे हैं, लेकिन मंगेश के परिजनों का दावा सुल्तानपुर एनकाउंटर पर इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल उठा रहा है।